नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। तो खबर अंबेडकर नगर से, जहां एनडीए के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज अंबेडकर नगर लोकसभा में क्षेत्र में पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडे के समर्थन में पहुंचकर एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ओम प्रकाश राजभर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीट एनडीए जीतने जा रहा है। वहीं वर्तमान केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान कर रितेश पांडे को जिताने की अपील भी की। मीडिया से अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है ओम प्रकाश राजभर ने, आप सुनिए। उनका खाता नहीं खुलेगा। वो जानते हैं कि पूर्वांचल में दाल गलने वाली नहीं है। आप देखिए, ईमानदारी की बात मैं बता रहा हूँ। पिताजी की विरासत में सीएम बने, 5 साल इतना मेहनत किया सांसद बन गए, फिर इतना मेहनत किया कि फिर एमएलए बन गए। अब उनसे पूछिए आप क्या बनेंगे। और राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो दगे हुए कारतूस हैं। पिछड़ों को धोखा, दलितों को धोखा, मुसलमानों को धोखा, अगड़ों को धोखा, सबको तो धोखा देने वाले सपा बसपा कांग्रेस से सरकार चलाई थी इसके पहले ना। मोदी जी के राज में तो योजनाएं जनता तक पहुंच रही है, जनता चुनाव लड़ रही है, जनता के दम पर हमारा प्रत्याशी जीत रहे हैं। मंत्री जी, राहुल गांधी ने कहा खर्चा कर रुपया देंगे, या अखिलेश कह रहे हम भी खर्चा कर रुपया देंगे, ना नवमन गेहूँ हो ही न राधे गौने जाई है। ना ये लोग का सरकार बनी, ना ये लोग का सरकार बनी, न रुपया दे तो कम से कम बचनम की दरिद्र। अब उनसे पूछिएगा, उन्हीं बताएंगे कहाँ से आएगा। जनसभा में गरीबों की बिजली माफ होगी, क्या उम्मीद करें लोग? सोलर पैलर 75% सब्सिडी पर घर घर लगाने जा रहे हैं, घर घर लगाने जा रहे हैं। वही बिजली का इस्तेमाल वो करेंगे, बचेगा तो वो सप्लाई सरकार खरीद लेगी बिजली जो बचेगी। ये योजना हम लोगों की है।